फर्स्ट स्टेप फैला लिया, सर्कुलर हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली वैसी महिलाओं के लिए, वैसी औरतों के लिए, वैसी लेडीजों के लिए जो कि अच्छा हम लोगों की आदत बहुत अच्छी होती है ना, हम लोग इंग्लिश में भी हिंदी ज्वाइंट करके बोलते हैं लेडीज, लेडीज का लेडीजो कौन कौन बोलता है कमेंट में बताइएगा। खैर आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन को ना टाइम टू टाइम प्रिपेयर नहीं कर पाती हैं, टाइम टू टाइम उसको जैसे होता है ना अपनी स्किन को भी टाइम देना चाहिए, उसको भी जरूरत होती है मॉइस्चर की, उसको भी जरूरत होती है हीलिंग की, तो नहीं दे पाती हैं। कई कई कारण होते हैं, कभी कभी बजट होता है, कभी कभी टाइम होता है, कभी कभी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम पार्लर नहीं जा पाते, और हर महीने हर 15 दिन में पार्लर जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, खास करके जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती हैं। मेरे साथ तो है, किसी के साथ हो या ना हो, कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं उनको छोड़कर कैसे जाएं। तो आपके बच्चों को सुलाकर ये काम कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है, सॉरी 2 मिनट का तो नहीं है, आपको ये जो प्रोसेस है वो कम से कम 20 मिनट तो करना ही करना है, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। तो 20 मिनट का जो है वो हम आपको कोशिश करेंगे कि 8-10 मिनट के वीडियो में दिखा दें, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आज हम जो बताने वाले हैं वो फेशियल स्टेप के बारे में है कि घर पर आप फेशियल कैसे कर सकते हो, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपको रैसेज ना हो और उसका जो इफेक्ट है वो आपकी स्किन पे नजर आए, आपकी स्किन मतलब उस इफेक्ट को, उस टोन को ग्लो करे और मतलब फेशियल आपका सक्सेसफुल हो, कैसे इजी तरीके से आप घर पे कर सकते हैं नॉर्मल स्टेप को फॉलो करते हुए। तो आज आपको हम 4-5 स्टेप बताएंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको फेशियल कैसे करना है और कैसे आपकी स्किन में जो एक खिंचाव है, जो झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाता है वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े होगे तो यंग ही रहोगे, बट जैसे बहुत कम एज में लोगों के साथ होने लगता है वो चीज़ें नहीं होंगी, उसी के लिए ये फेशियल वगैरह बनाए गए हैं। तो आपको टाइम टू टाइम इनको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास कोई भी मसाज क्रीम है, कोई सी भी जो आप यूज़ करते हैं, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो मार्केट में बहुत सस्ती सस्ती मसाज क्रीम अवेलेबल है जो आपकी स्किन को सूट करती है, वो आप मसाज क्रीम ले लें। मैंने फिलहाल अभी मीशो से ये मुझे सस्ती से दिखी थी तो मैंने ये मंगा लिया, क्योंकि अक्सर हम लोग ना बस जो फेशियल किट आती है वो मंगाते हैं तो वो बस ऐसे ही यूज़ होती है ओकेजनली, बट हम कभी कभी घर में करना चाहें ना तो उसके लिए आपके पास घर में एक मसाज क्रीम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, वो बहुत अच्छा फेशियल करती है तो वो अक्सर मेरा कर देती है, तो उसने सजेस्ट किया था कि एक मसाज क्रीम मंगा लो, तो मुझे ये वाली थोड़ा ठीक लगी, इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे तो मैंने मंगा लिया। मैं फिलहाल आपको प्रोडक्ट का वो नहीं कर रही हूँ कि आप मंगाओ, आप कोई सी भी ले लो, मार्केट में मिलती हैं जो इजिली, आप वो ले लो। उसके बाद आपको एक कटोरी में ले लेना है गुलाब जल, गुलाब जल है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल पानी आप ले लो। एक आपको अगर आपके घर में स्पंज नहीं है पोंछने के लिए तो आप एक ऐसा कोई सॉफ्ट सा रुमाल ले लो, और एक इसमें आप ले लो पानी। स्क्रब कर लीजिए पहले आप फेस वॉश से अपनी स्किन को वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रब मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, स्क्रब आप इजीली चावल के आटे से कर सकते हैं, चावल के आटे का भी मैंने वीडियो डाला है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है चावल का आटा तो आप क्लेंजिंग कर सकते हैं टमाटर में थोड़ा सा हनी या फिर थोड़ी सी चीनी लगाकर, उससे आप 5 मिनट अपनी स्किन पर रफ करिए और धो लीजिए, आपकी स्किन स्क्रब भी हो जाएगी और क्लेंजिंग भी हो जाएगी। इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक छोटा सा 2 रुपए का कॉफी का पैकेट मंगाइए, कॉफी के पैकेट को टमाटर के ऊपर डालिए और उसको स्क्रब कर लीजिए। वो भी अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ कॉफी से कर लीजिए। स्क्रब करना इंपॉर्टेंट होता है जिससे आपके जो पोल होते हैं ना, जो रोम क्षेत्र बोलते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, जिससे आप मसाज जब करते हो ना तो वो तुरंत आपको हील कर पाते हैं और हीलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, शायद आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लग रही हूँ मेरी बातें, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद मतलब फेस वॉश करना है, उसके बाद स्क्रब या क्लेंजिंग करनी है, उसके बाद आपको करना है मेन स्टेप जो है मसाज का। तो सबसे पहले मैंने फेस थोड़ी देर पहले वॉश किया था तो मैं अपने फेस को गीले तौलिए से पोंछ लेती हूँ। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, और आपको अगर आप बड़ा डब्बा मंगा रहे हो ना तो आपको उस पर बार बार हाथ नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उस पर ज़्यादा हवा नहीं लगने देना है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं पड़ने देना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने एक चम्मच में निकाल लिया है, अब इसको आप हाथ पे ले लीजिए और अपनी फेस पर अप्लाई। फर्स्ट स्टेप फैला लिया सर्कुलर मोशन में, 2 से 3 मिनट आपको यही करना है, पाम का यूज नहीं करना है, सिर्फ फिंगर से करना है। सेकेंड स्टेप आ
आपके अपने हाथों को सर्कुलर में मोशन में घुमाना है लाइक दिस। थर्ड स्टेप, स्किन को नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है। कभी भी ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखिए कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है फेसियल। जब भी आप फेसियल करते हो आपको ये ले जाना है मत्थे पे, ये मत्थे पे ये नहीं करना है, मत्थे पे आपको ये करना है, फेस पे आपको ये करना है। क्लियर? स्टार्ट। नाउ अगर आपको लग रहा है क्रीम थोड़ा सूख गई है तो आप ले लीजिए गुलाब जल, देन आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपकी क्रीम टोटल अब्सॉर्ब ना हो जाए। मतलब आप बार बार गुलाब जल लगाते रहिए और जब आपकी गुलाब जल के बाद पेना छूटना बंद ना हो जाए, चिकनाहट होना बंद ना हो जाए, तब तक आप करते रहिए। 20 मिनट लग सकते हैं, 30 मिनट लग सकते हैं, 35 मिनट लग सकते हैं, बट जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्किन में साइन आएगी। कहते हैं ना जितना तरासो हीरा उतना ही चमकता है, सेम। लेकिन एक चीज और याद रखनी है आपको कि नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो तब तक तो आपको करना ही करना है जब तक आपकी स्किन में गर्माहट फील ना होने लगे। मतलब अंदर से आप पानी लगाओ तब भी उसके बाद अंदर से भी आपको थोड़ा थोड़ा सा गर्मी सी फील हो, तब तक आपको करना है। और उसके बाद एक कॉटन ले लीजिए या फिर आपने जो अभी पानी रखा था बाउल में उस पानी से साफ तौलिए की मदद से आप इसको पोंछ लीजिए। हो गया है, मतलब सॉरी मसाज हो गया है। अभी मसाज के बाद एक स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको करना ही करना है, वो है आपको फेस पैक लगाना। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फेस पैक है। मैं लगा लेती हूँ मुल्तानी मिट्टी, मैं ज्यादातर मुल्तानी मिट्टी ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि फेस पैक मेरे पास घर में कोई अवेलेबल नहीं होगा। मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप देखोगे तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाते हुए ही देखोगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ मुल्तानी मिट्टी। लेकिन आप ये वीडियो अगर आपको 1% भी यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो में बिना कमेंट किए मत जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूजफुल जानकारी के लिए आप मुझे बताइएगा कि किस विषय में आपको वीडियो चाहिए, मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। बस नॉनवेज खाने को लेकर, नॉनवेज खाने का मैं वीडियो नहीं बना सकती। बाकी आपको कोई भी डिश चाहिए, कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कोई भी होम रेमेडी चाहिए, कोई भी ब्यूटी टिप्स चाहिए तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल मैं ये फेस पैक अप्लाई कर लूँ, मतलब मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर लूँ। और आप लोग वीडियो में अभी तक अगर बने हुए हैं तो आपका दिल से थैंक यू। और प्लीज थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।